ये आस्था है या गुंडागर्दी? हाथों में तेज धारदार हथियार और डंडे लिए डीजे की धुन में मदहोश दिख रहे बदमाशों ने बीती रात रेल कर्मी की हत्या कर दी। ये मामला पानीपत के सनौली रोड का है, जहां दशहरा की रात एक युवक को इन बदमाशों को सीख देने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल बीती रात हनुमान सभा की आड़ में हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाश सरेआम धारदार हथियार लाठी डंडे लहराते हुए जा रहे थे। बदमाश वहां से आते जाते कई लोगों को झगड़े की नियत से छेड़ रहे थे। इसी दौरान स्कूटी पर सवार होकर मनप्रीत मलिक, मनीष और आर्यन गांव उगरा खेड़ी की तरफ जा रहे थे। जब इन युवकों ने बदमाशों को देखा तो तीनों ने श्रद्धा भाव के दशहरे पर्व को सही तरीके से मनाने और हुड़दंग न करने के बारे में कहा। बस फिर क्या था, इसी बात पर हुड़दंगियों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट के दौरान बदमाशों ने तीनों पर चाकू से हमला किया। ताबड़तोड़ चाकू के हमले से मनप्रीत की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी मनीष और आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गए। मांग भाई साहब यह है, हमारे गांव का कति शरीफ बालक रेलवे में लाया गया था, आज लग कोई मुकदमा नहीं, कोई वो नहीं, किसी बदमाश ने मारो हमारा गाँव कति अंधा। हमारे गाँव के आदमी ने मार के चले गए और गाँव के आदमी ने मार के चले गए, हम कुकर वो करा है। पुलिस ने कह रही भाई हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस तो मारे पक्ष से कार्रवाई कर दिया। पुलिस भाई विश्वास देखो क्या करेंगे। हमारे गांव का इल्ला है जी, मनप्रीत नाम है, रेलवे में नौकरी करे जी, छोटे छोटे बालक है। आज लग इस पर कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई गांव में इसने बदमाश बता दो, कोई कह दो कॉलोनी की, इसकी विद्यानंद कॉलोनी की सभा आई, इनका रोड़ आया छोटा मोटा जो भी, हमने नहीं मेरा इतने चक्कू मार रखे जी, जिसकी कोई हद ना है। यू लाश पड़ी है, देखो आप पूरा यू प्रशासन करे, पूछो आप इनते, हम तो इंसाफ चाहो जी, मर तो इंसाफ दो। जानकारी के मुताबिक मृतक मनप्रीत मलिक गांव उगरा खेड़ी का रहने वाला था। मनप्रीत कबड्डी का खिलाड़ी था और वो स्पोर्ट्स कोटे से करीब 6 साल पहले रेलवे में भर्ती हुआ था। वहीं इस मामले से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें नकाबपोश हुड़दंगी साफ तौर पर हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान विद्यानंद कॉलोनी निवासियों के रूप में हुई है। कल की बात है, ये दशहरा खत्म होने के बाद में सब अपना ये अनुमान जो 40 का करते हैं, तो वो अपने अपने घर जा रहे थे, किसी बात पर इनका झगड़ा हो गया और मनप्रीत को चक्कू और लाठियों से मार कर उसकी हत्या कर दी। उसके साथ में मनीष था, उसके भी चोटें आई है। बहरहाल वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों ने 5 टीमों का गठन किया है। पुलिस की सभी टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए त्वरित कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना होगा पुलिस इन बदमाशों को कब तक गिरफ्तार करती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।